छोटी मोटी पार्टी शहर में है और तो उसके सेक्रेटरी वगैरह नाम तो उनका जानता नहीं है, वो भी तब कह रहे थे वो नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। यूसुफ भाई ने पूछा, पत्रकार साहब ही ने पूछा, तो उनके पास जवाब नहीं था। हिंद दोस्तों, मैं हूँ यूसुफ मंसूरी और मेरे साथ मुमरा कलवा विधानसभा के महासचिव और अबू हसीम जो समाजवादी के प्रमुख है और MLA है, उनके करीबी माने जाने वाले मन्नान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है जो मुमरा से आते हैं। मुमरा में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, कई पत्रकारों ने न्यूज़ किया था कि शमीम खान जो है राष्ट्रवादी पार्टी के, उन्होंने टोरेंट पावर के ऑफिस में जाकर उन्होंने ताला लगा दिया था। उसके ऊपर से एक समाजवादी पार्टी के जो मन्नान शेख साहब है, इन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि जो इन्होंने ड्रामा किया इस तरीके का, और फिर शमीम खान ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसका जवाब दिया और उसमें बोला कि एक छोटी सी पार्टी के छोटे से नेता है, तो हम बात करेंगे मन्नान साहब से कि उनका क्या मानना है और क्या बोलना है इस मुद्दे पर। ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो है ऐसा हुआ था कि शमीम खान जो राष्ट्रवादी पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नाटक किया था, एक ड्रामा किया था टोरेंट पावर कंपनी को ताला लगाने का, जबकि टोरेंट पावर कंपनी लाई गई थी उन्हीं के लिए, उनके आमदार ने मांग करी थी, इसके लिए डिप्टी CM ने हमारे मुबरा तलवा पे उन्होंने उस बिजली जैसी वो जालिम कंपनी को हमारे ऊपर थोप दिया। पूरी जनता वहाँ तरह तरह करी, पूरी जनता वहाँ हैरान परेशान है और जनता में एक बड़ा रोष है, बड़ी नाराजगी है NCP के खिलाफ, इसलिए लोग ड्रामा कर रहे थे। और ड्रामा कैसा कर रहे थे, ताला मारना चाहिए था नीचे जहाँ पे वो विजिलेंस वालों की ऑफिस है या जहाँ पे उनका पूरा कारोबार चल रहा है नीचे, लेकिन वहां ना करके जाके पहले मारे पे ताला मार करके नाटक कर रहे थे और गला में, मैं देखा अपने गले में उसकी चेन भी डाल रहे थे। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो अपना ड्रामा कर रहे हैं, हम उनकी जो है खुलासा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो दूसरे दिन रिएक्ट में ये कहा कि किसी छोटी पार्टी, एक छोटी पार्टी के नेता, छोटी पार्टी में बता दूं समाजवादी पार्टी आज भी उनसे बड़ी पार्टी है, UP में हमारी सरकार रहा करती है, उनकी सरकार तो अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। उसके अलावा मैं ये कह दूं कि उनकी पैदाइश भी जो है उसी समाजवादी पार्टी, उसी छोटी पार्टी से हुई। शमीम खान आज से 5 साल पहले, 7 साल या 10 साल पहले जो है समाजवादी में आए, और समाजवादी में आए तो मेरे से बहुत, जब से वो पॉलिटिक्स, मतलब कि वो जब से पैदा हुए उससे मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मुझे वो छोटा नेता करें। बहुत सारे फोटो, एक जमाना था कि मेरे पास आकर के बोलते थे भाई समाजवादी में जरा भाई के साथ मेरा फोटो निकला दो, और आज मुझको पहचान नहीं रहे, मेरा नाम नहीं उनको मालूम है। खैर ठीक है, तो वक्त बताएगा कि आगे क्या करने का है। एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि जो कोई सरकारी विभाग में, जैसे टोरेंट पावर भी वो प्राइवेट तो है लेकिन वो सरकारी विभाग में एक आता है पावर जो सप्लाई करता है, तो अगर उसमें कोई दखल अंदाजी की जाती है किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी कार्यालय, वो तो सरकारी कार्यालय, सरकारी अप्रूव कार्यालय है, किसी भी कार्यालय में किसी को ताला मारने का कोई राइट नहीं, लोकतंत्र में कोई किसी को ये हक नहीं दिया। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हमें जो है वो मिला हुआ है, हमको एक कि भाई हम किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करें, किस तरह धरना प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ किस तरह से आवाज उठाएं, वो करना चाहिए, लेकिन उन्हें कानून अपने हाथ में लेकर के जाके ताला मारने का काम किया और उस काम कर्मचारियों के हाथ काम करने में हस्तक्षेप किया है, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई क्यों हो, मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टोरेंट और ये NCP दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, क्योंकि टोरेंट को लाने वाले यही NCP वाले, और आज NCP वाले बोलते हैं कि हमको जनता को इंसाफ दो, एक मरतबा लाके जुल्म कर रहे हैं और आज इंसाफ मारेंगे, तो जाहिर सी बात उनकी लाई हुई कंपनी है तो उनके ऊपर किस तरह से वो करे। लेकिन मैं कम से कम सरकार से इतनी उम्मीद करता हूँ, इतनी आशा करता हूँ कि सरकार उसके ऊपर वो इसको संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत न करे। जैसा कि राष्ट्रवादी पार्टी का ऐसा बोलना था टोरेंट आने से पहले कि हम टोरेंट को मुमरा कलवा में आने नहीं देंगे और बहुत सी बातें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद टोरेंट आई है और आज समझ लो मुमरा कलवा में पूरी तरीके से उन लोगों का काम शुरू हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए टोरेंट पावर को सही है, इन्होंने पहले विरोध करने का नाटक किया था, विरोध किया था, लेकिन जनता को मालूम नहीं था, जनता समझ रही थी सही माने हमारे साथ हैं, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब डिप्टी CM ने विधानसभा में डिक्लेयर कर दिया कि इनके मांगने के वो इनकी मांग पे हमने जो है टोरेंट को कलवा मुबरा में किया है, तब जनता समझ गई है कि इनकी ड्रामेबाजी थी, इनकी नाटकबाजी थी। उस टाइम तो यहाँ तक बोलते थे शमीम खान कि अगर टोरेंट पावर आएगी तो मेरी लाश पर से जाएगी, आज उनकी लाश इसी पड़ी हुई है, लेकिन टोरेंट पावर तो आ गई है। और रहा सवाल की, देखिए एक कहते कुछ है करते कुछ है, एक करीब करीब 2009 से एक छत्र राज है NCP का मुबरा कोसा में, इनके सारे के सारे नगर सेवक एक दो को छोड़ करके हैं, इनका आमदार है लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, खाली बेवकूफ बनाने काम किया है,
बल्कि मुबरा कौसा के डेवलप तो विकास नहीं किया, विनाश किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे आज भी कोई खेल का मैदान नहीं है, आज भी कोई वहाँ पे नाना नानी पार्क नहीं है बूढ़े बूढ़े को बैठने के लिए, आज भी कोई जो है वहाँ स्लाटर हाउस नहीं। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आज भी स्टेडियम आधा अधूरा है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल बना वो भी आधा अधूरा है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। आज वहाँ पे जो भी कॉलेज स्कूल प्राइवेट है मनमाने ढंग से फीस वसूलने का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, और जितने गलत काम हो रहे हैं, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे नशा का व्यापारी हो, चाहे नशाखोरी हो, सबके जितने गलत काम करने वाले हैं सबके साथ सब इनके संरक्षण में, एनसीपी के संरक्षण में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी साहब आपका, आपने हमको याद किया, आपके लिए हम सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे।